ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है और बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की बात, आत्मनिर्भर गांव की बात, सशक्त और समर्थ गांव की बात सदा सर्वदा कही है और इसलिए जब आजादी के अमृत काल में हम हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पूज्य बापू के सपनों के हम सब एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी के जंग में जो सपने देख करके लोगों ने अपने आप को आहुत किया, अपनी जवानी खपा दी, हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए और ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चिन्ह रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।